किसी को फोन करो, फोन नहीं रिसीव कर रहा है, जिसके लिए मैं बार बार गया हूँ टाइम निकाल के सब चीज बंद करके, सब कुछ करके, काम धाम छोड़ के वो आदमी जब अपना फोन नहीं रिसीव कर रहा तो तकलीफ होती है ना। ये वाला यही सोच रहा है भी ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ बोल दे। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। सच बात तो ये है, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से इस चीज के लिए नहीं फोन कर रहा था। हाँ, वक्ती तौर के लिए आदमी ये जरूरत की कहीं जाना हुआ किसी को फोन कोई नहीं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो कहते हैं आप लोग, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया था काम से, और सामने वो वहाँ पे दूर पे एक कार खड़ी है, शायद वो उबर की है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और बात करता हूँ, क्योंकि भाइयों की डिमांड आ रही है कि उबर की वीडियो बनाया करिए और ज़रूरत है। तो चल के देखते हैं कैसा काम है और क्या है। तो वहाँ दूर पे है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसे यहाँ पे लोग छाए में बैठे रहते हैं, गाड़ी लगा के अगर काम आएगा तो यहीं से चले जाएंगे, और ये एक रिहायशी एरिया है, तो देखते हैं कहाँ के हैं भाई। सलाम वालेकुम। अरे यार क्या हो गया, डर गया है अचानक, ये थोड़ा खोल लो। किधर के भाई आप? नेपाल के हो? अचानक से भाई डर गए, हमने सलाम किया, लगता है बैठे हुए थे मोबाइल चला रहे थे। और कहते हो उबर है क्या? अंदर आ सकते हैं 2-4-5 मिनट? तो भाई ऊपर पे हैं, नेपाल के, कह रहे आइए। और इनकी किया की गाड़ी है ये, तो हम लोग देखेंगे कि इनकी गाड़ी है कि रेंट की गाड़ी है, मतलब पर्सनल इनकी है कि रेंट की है। तो भाई कैसे हैं आप? ठीक है? अच्छा। तो भाई उबर में चलाते हैं? जी। अच्छा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो, ऐसे ही नॉर्मली। तो क्या आपसे 5-10 मिनट बात कर सकते हैं? अच्छा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग पहले इनकी गाड़ी देख लीजिए, एक सिंपल सी गाड़ी है किया की, मतलब लो, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं आती है, और ये उबर के लिए सही गाड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से काम नहीं है उस हिसाब से, और इनकी गाड़ी भी हमको ये नई लग रही है, सही है ना? अच्छा चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं और भाई से बात करेंगे कि इनकी गाड़ी है कि रेंट की है, और कितना इनको बच जाता है, और कैसा काम चल रहा है, कितना टाइम हुआ है। तो भाई ये बताइए भाई, आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नेपाल से? जी। अच्छा, तो क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम? हाँ, मोहम्मद कासिम भाई है नेपाल के। तो मोहम्मद कासिम भाई ये बताओ, पहले आपको कितना टाइम हो गया कतर में? कतर में तो 12-13 साल। 12-13 साल हो गए? अच्छा, तो 12-13 साल से आप क्या कर रहे हैं? पहले मैं कंपनी में भी काम किया, उसके बाद मैं इधर एक शेख के साथ भी काम किया, घर में। हाँ, घर में। अच्छा, हाउस ड्राइविंग। हाँ जी। तो हाउस ड्राइविंग छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से हाउस ड्राइविंग छोड़ दिया, ये उबर में चला रहे हो? हाँ, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, में चलाते। तो कफील ने आपके चेंज दे दिया था? मैं उसके पास बाहर से था। अच्छा, फ्री वीजा था पहले से आपका? अच्छा, तो उसके बाद आप कफील के, आपने 1-2 साल काम किया उसके साथ? लगभग 4-4.5 साल का। 4.5 साल काम किया, उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया, फिर उबर में आ गए। हाँ। तो ये बताओ, उबर में आने के बाद तो क्या ये गाड़ी आपने ली है कि रेंट की चला रहे हैं? मैं गाड़ी डाउन पेमेंट करके मैं ली। डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी ली है, ठीक है। तो इसकी मतलब कितनी पुरानी है ये भाई कार? ये नवम्बर में ली। नवम्बर में? ये नवम्बर में, यानी 1 साल होने वाला है अभी? 6 महीने हुआ। 6 महीने हो गए? हाँ, 6 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। 6 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। तो भाई की गाड़ी डाउन पेमेंट, तो भाई ये छोटी गाड़ी है ना, तो ये उबर में एक्स में चलती है, और अच्छा भी, क्योंकि एक्स ही कस्टमर है, अभी फायदा नहीं है महंगी लेके। मैं इससे पहले सोल्टस लिया था, वो मई में लिया था, अगस्त में एक्सीडेंट हुआ, कैंसिल हुआ, उसके वजह से फिर मैं छोटे के पीछे गया, क्योंकि फायदा नहीं। वही बात है, जब एक्सी मिलना है ज्यादा, हाँ, कहीं गलती से दिन में एक आध कोई कंफर्ट मिल गया, नहीं मिलने वाला नहीं है, उससे अच्छा वही है। वही है, अभी छोटी गाड़ी में काम है। तो सुल्टा आपने कितने की ली थी? वो उसका डाउन, वो भी डाउन पेमेंट। कितने की थी गाड़ी? वो कीमत बताइए उसका? कीमत 78,000 तक पड़ता है, 78,000 रियाल कतरी। और इसका कितना है? अभी इसका 51 पड़ रहा है। 51 कंप्लीट, क्योंकि 1 साल का मैं इंस्टॉलमेंट कराया। नहीं नहीं, गाड़ी कितने की है नॉर्मली? गाड़ी नॉर्मली 47,500 की है कैश प्राइस। 47,500 की गाड़ी है, और लोन करा के यानी 51,000 की पड़ी। यहाँ पे ज्यादा ब्याज पड़ता नहीं, नॉर्मल होता है ब्याज, इसलिए। कई साल का? 1 साल का फाइनेंस है। 1 साल, एक ही साल का? 6 महीना खत्म हो गया। 6 महीना कितनी किस्त है महीने की? 2660। ये अच्छा रहता है, ज्यादा रखो जल्दी खत्म, और टेंशन खत्म। अच्छा ये बताओ भाई जी,
तो आप एक डेढ़ साल से ऊपर में काम कर रहे हैं, पहले रेंट की गाड़ी चलाते थे, अपनी चलाते हैं। तो ये बताओ अपनी गाड़ी लेने के बाद अभी आपको महीने में और कितना बच जाता है और अभी काम कैसा चल रहा है? फिलहाल तो काम एकदम बेकार है। अच्छा। लेकिन फिर भी सब काट उठ के 2,250 बच जाता है। किस्त निकाल के? किस्त निकाल, खाना पीना निकाल के, सब कुछ निकाल। अच्छा जी, तो खाना पीना रूम में खाते हो कि बाहर खाते हो? नहीं, एक टाइम रूम में, एक टाइम बाहर ही। एक टाइम रूम में, एक टाइम बाहर। तो रूम का किराया कितना आ जाता है महीने का? रूम का किराया वही 300-350। अच्छा, खाली सीट का? सीट का वही है। खाने का कितना आ जाता है रूम में? रूम में भी वही 300-400 आ जाता है। अच्छा, यानी 800-700 खर्चा है? नहीं, 1,000 से ऊपर रूम का, एक आदमी खाने का, खाना, रूम, अपना खर्चा 1,000-1,200 है पूरा दिन का मिला के। 1,000-1,200 रुपए खर्चा बन जाता है। तो अभी काम डेली कितना हो रहा है? जैसा हो जाए काम के ऊपर, अगर काम करो नहीं, तो एक आइडिया, एक आइडिया बता रहा हूँ। आप कितना तक कर लेते हैं कम से कम? जैसे अगर 10-12 घंटा काम करो जी, तो 300-350 होता है। 350 हो जाता है यार? हो जाता है। अभी तो हो नहीं रहा है, लोग बता रहे हैं 2-250 बच हो रहा है। नहीं नहीं, मैं किया हूँ भाई, अभी किया नहीं। आज कल, कल कितना किया था? मैं कल तो मैं ड्यूटी नहीं किया। परसों कितना किया? परसों ये 2 दिन मैं ड्यूटी नहीं किया। उसके पहले कितना किया था? पहले 350 मेरा होता, 340 कई घंटे चलाते हो? वही चलता हूँ 10-12-13, किसी दिन 13 भी हो जाता, किसी दिन 12। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आपका 350 काम हो जाता अभी है। अभी 2 घंटों में काम किया हूँ, 6:30-5 बजे के निकला हूँ, 62 रेल का काम किया। अच्छा, यानी आप मेहनत करते हो, आपकी वो रीडिंग जो होती है, क्या होता है, रैंक अच्छी है। हाँ। अच्छे से काम करते हो, कस्टमर को कुछ रखते हो? मैं वही, और हमें लग रहा है चालू कर लेते हो, फिर चालू रखते हो, बंद नहीं करते हो? बंद तो होता है वही, बीच में कहीं दोस्त के पास चला गया या कहीं खाने पीने के चक्कर में वही बंद होता है। भाई देखो, आईफोन चला रहे हैं और इनका ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे से निकले हैं और 7:30-8 बजने वाला है। 4 नहीं बजे, 5:30-6 बजे मैं निकला हूँ। 5:30 बजे से निकले हैं और 8 बज रहा है, यानी अभी इनको कितने घंटे हो गए? 3 घंटे के आसपास हुए हैं और 65 रियाल का काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है भाई, काम चल रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छा है, नसीब से भी होता है, जिम्मेदारियों से भी काम मिलता है। जैसे आपके किसे तो ऊपर वाला उसी हिसाब से देता भी है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है। सही है, रेंट की चलाओगे तो उस हिसाब से अल्लाह पाक पूरा करेगा। सही, अल्लाह। कभी कोई ऐसे हालात आए हुए कि मतलब परदेश की जिंदगी के बारे में अपनी तरफ से कुछ बताइए कि अगर कोई परेशानी आती तो लोग यहाँ पे कैसे काम आते हैं या काम नहीं आते हैं? आपके साथ कोई ऐसी बात कभी हुई कतर में जो आपको बहुत तकलीफ हुआ हो, बहुत मत फिर हुआ? यही अभी पिछले साल जी अगस्त में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, जो ज्यादातर बोलते हैं मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए हूँ, जब तक अपने पास सब कुछ है, सब कुछ सब कोई मिलता है, सब कोई वो करता है, किसी परेशानी में पहुंच जाओ कोई फोन नहीं रिसीव करने वाला। तो कामना बता दे। हाँ, सच बात यही है जी, जिस टाइम अपने पास अभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ तो कोई फोन नहीं रिसीव करने वाला जी। अगर अपना कोई खास है वही है या अपना फैमिली है, दूसरा कोई नहीं। कोई ऐसा हुआ कोई कि मतलब किसके साथ तुमने किया हो इस समय जरूरत में वो खड़ा रहो तो तुम्हें तकलीफ हुई? वो तो होता है। एक एग्जांपल है, अगर आपके लिए मैं कहीं भी खड़ा हो रहा हूँ, अगर आप मेरे से बोले ये काम है, मैं वो छोड़िए, आप अपनी बात बताओ। मैं सच वही मैं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए खड़ा हुआ, ड्यूटी छोड़ के हर चीज करके छोड़ के कोई फोन किया मैं पहुंचा। लेकिन जिस टाइम मेरे साथ हुआ, लगभग 3.5-4 महीना मैं रूम में सोया, क्यों गाड़ी दूसरा मिल नहीं रहा था, पैसा पे कर दिया था लेकिन एजेंसी में ना होने की वजह से नहीं मिल रहा था। किसी को फोन करो, फोन नहीं रिसीव कर रहा, जिसके लिए मैं बार बार गया हूँ, टाइम निकाल के सब चीज बंद करके, सब कुछ करके, काम धाम छोड़ के, वो आदमी जब अपना फोन नहीं रिसीव कर रहा तो तकलीफ होती है ना जी। आदमी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिचुएशन ऐसा था कि किसी से कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई अच्छा जॉब में है, मेरे से छोटा मेरा भाई अच्छा जॉब में है, इसलिए हमको तकलीफ नहीं था खर्चे के लिए, रूम के, खाने के और किसी चीज के लिए। लेकिन आदमी तो ये सोचता है कि सामने वाला ना कुछ मांग ले, सामने वाला यही सोच रहा है भी ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ बोल दे। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। सच बात तो ये है, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से इस चीज के लिए नहीं फोन कर रहा था। हाँ, वक्ती तौर के लिए आदमी ये जरूरत की कहीं जाना हुआ किसी को फोन कर लिया कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उधर हमको छोड़ दे। लेकिन मसला जो है आदमी क्या सोच के
ये सोच के कि कहीं जाने के लिए बोल रहा है या कुछ पैसे के लिए बोल रहा है या क्या बोल रहे, फोन ही नहीं रिसीव कर रहा तो आदमी सामने वाले को क्या बोल सकता है। सही बात है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आपको कतर में बहुत अच्छी लगती हो? कतर में कोई नहीं, कुछ अच्छा लगता हो यहाँ पे, काम का अच्छा है, यहाँ पे रूल अच्छा है, कोई भी एक चीज बता सकते हो। यहाँ पे एक चीज है कि अगर कोई भी चीज हो तो एक चीज है कि गवर्नमेंट के पास आप कोई भी लेके जाओ तो दोनों पक्ष का सुनता है। हाँ, ये चीज है। ये नहीं है कि ये कतरी है तो उसका खाली सुन लिया, या तुम एक खारजी हो एक हिंदी जबान है या ये अरबी जबान का सुनते, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये लोग बराबर का वो देखते हैं। अच्छा, ये चीज अच्छा हमको लगता है। अच्छा भाई, तो भाई ये बताइए, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो नए लोग आना चाहते हैं कतर, क्योंकि आपको 12-13 साल हो गए। जी, जैसे अगर कोई कतर कोई नया आदमी आना चाहता है जी, तो पहली बात आजाद विषय में, आजाद विषय तो है नहीं जी, उसके बाद में कोई भी कंपनी के विषय पे आए, एग्रीमेंट बना के आए, एग्रीमेंट अपना पूरा देख के आए अपने, उसके बाद में इधर आए। कोई ऐसा भी बोले कि मैं आके उधर चेंज करा लेगा तो बेहतर है कि ये सोच के आए कि हमको 3-4 महीना स्ट्रगल करके काम ही पकड़ना पड़ेगा। ऐसा ये नहीं कि आके पहुंच के हमको तुरंत काम मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आदमी सोच के आता है ना कि तुरंत जाएंगे, वो पैसा कमाएंगे, वो तो फलाने ऐसे फलाने, तो उसकी उसकी नसीब है, वो कैसे सेटल है, क्या है उसका, क्या किया है, तत्काल स्ट्रगल करके वो किधर पहुंचाया। अभी तुरंत पहुंच के तुरंत आप सोचो वो आदमी इतना कमा रहा मैं भी कमाऊं तो ये किधर होने वाला है। अच्छा जी, अच्छा चलिए ठीक है। तो आप अपने स्ट्रगल में कुछ ऐसा काम बताओ जो तुमने पहले बहुत ऐसा किया हो, किसी से बताया नहीं लेकिन यहाँ पे इस तरह तुमने काम किया हो। कंपनी में मैं 800 से सैलरी 800 से काम किया हूँ जी, कंपनी में ड्राइविंग 800 रियाल से काम किया हूँ। 15-15, 18-18 घंटा हम लोग ड्यूटी करते थे। अच्छा, 15-15, 18-18 घंटा, क्योंकि ओवर टाइम की 800 सैलरी था, ओवर टाइम के पीछे काम भागते थे। अच्छा, जितना आएगा उतना भाई फायदा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो जो मैंने भाई से बात करी और बहुत अच्छे से भाई ने समझाया और कैसे स्ट्रगल किया, भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो भाई अब चलते हैं। आप अपनी गाड़ी का एक बार नाम बता दीजिए, कौन सी गाड़ी है? मेरे गाड़ी किया पिकास है। किया पिकास, तो चलिए ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए। ओके भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मैंने भाई से बात करी, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय।